आज का टॉपिक है स्विच केस इन सी। स्विच केस है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, जब एक ही वेरिएबल कंडीशन में है और उससे बहुत सारे वैल्यूज के इक्वल कंपैरिजन करना है तो स्विच केस यूज करेंगे। स्विच केस का सिंटैक्स है, यहाँ स्विच केस के ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है वो आइदर इंट या कैर होता है। केस के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लिखने होंगे वो स्विच एक्सप्रेशन से कंपेयर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ स्विच एक्सप्रेशन वेरिएबल है एक्स, जिसका वैल्यू है 2 और इसलिए डिस्प्ले करेगा गुड आफ्टरनून। डिफॉल्ट यानी अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल कोई भी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं होता है तो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अगर एक्स का वैल्यू होता है 0 तो डिस्प्ले होगा वेलकम, क्योंकि यहाँ पे जो केस लिखे हैं उनके वैल्यूज है 1 और 2, तो 0 वैल्यू 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, इसलिए वो जाएगा डिफॉल्ट केस में, और डिफॉल्ट केस में हमने डिस्प्ले किया है वेलकम। यहाँ हर केस का एंड स्टेटमेंट ब्रेक है जो स्विच ब्लॉक को टर्मिनेट करता है। जैसे कि इस प्रोग्राम में अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो गुड आफ्टरनून डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये इक्वल वैल्यू पे जंप करता है और उसके बाद फॉल थ्रू स्टेटमेंट आएगा, यानी उसके बाद वेलकम भी डिस्प्ले होगा। स्विच केस के जगह हम इफ एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस जंपिंग स्टेटमेंट होता है इसलिए वो फास्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड अ मैथ ऑपरेटर टू डिस्प्ले रिजल्ट एज पर मैथ ऑपरेटर एंटर्ड बाय द यूजर, यहाँ इस प्रोग्राम में सबसे पहले 2 नंबर्स के लिए इनपुट लेना होगा, जिसके लिए हमने कमांड लिखे हैं। पहला प्रिंटेफ, जो सूचित करेगा कि यूजर को क्या एंटर करना है, और दूसरा स्कैनिफ, जो इनपुट करेगा। यहाँ हमने मैथ ऑपरेटर के स्कैनिफ स्टेटमेंट के पहले एफ फ्लश ब्रैकेट में एसटीडी इन लिखा है, ये कमांड बफर को क्लियर करेगा। कुछ कंपाइलर्स कैरेक्टर इनपुट के लिए कीबोर्ड बफर ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए हमें यूज करना होगा एफ फ्लश। अब स्कैनिफ स्टेटमेंट से मैथ ऑपरेटर इनपुट किया है, यहाँ यूज किया है परसेंट सी, जो कैप डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इस प्रोग्राम में यूज किया है इफ एल्स इफ लैडर, जो मैथ ऑपरेटर को कंपेयर करके रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अब इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ हमने नंबर इनपुट किया 10 और 3, मैथ ऑपरेटर एंटर किया एस्ट्रिक। अब क्योंकि पहला इफ कंडीशन प्लस है इसलिए वो चेक होगा, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स है, हमने क्या एंटर किया है, हमने एंटर किया है एस्ट्रिक, इसलिए दूसरा कंडीशन चेक होगा जो है माइनस, ये भी फॉल्स है, इसलिए तीसरा कंडीशन चेक होगा जो है एस्ट्रिक, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसका ब्लॉक एग्जीक्यूशन होगा और एल्स इफ लैडर एंड होगा। अब अगर इसी प्रोग्राम को स्विच केस में लिखते हैं तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब इनपुट करने के बाद यहाँ हमने एक्सप्रेशन में लिखा है वेरिएबल ओपी, जो एस्ट्रिक से कंपेयर होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने प्लस और माइनस को चेक ही नहीं किया, वो डायरेक्टली एस्ट्रिक केस पे जंप किया। ब्लॉक एग्जीक्यूशन के बाद अब आउटपुट आ रहा है 30, जो कि 10 इंटू 3। यहाँ स्विच केस एंड हो रहा है ब्रेक स्टेटमेंट से।
अब स्विच केस यूज करके नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. क्वेश्चन है, एक्सेप्ट एनी कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच केस. यहाँ इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिखे हैं, जिसमें हमने सी टाइप डॉट एच भी लिखा है. सी टाइप डॉट एच हमने कैरेक्टर एंटर करने के बाद उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया है. हम इनपुट ले रहे हैं कैरेक्टर का, जिसके लिए हमने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, प्रिंटएफ और स्कैनएफ. इस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने फंक्शन यूज किया है टू लोअर. लिखा है स्विच केस, इसके ब्रैकेट में हमने जो वेरिएबल लिखा है सी एच, इसको हम वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू इन सारे कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे. तो आप यहां पे देख रहे हो कि जो भी केस हमने लिखा है उसके बाद, जैसे कि ए ई आई ओ, ये सारे ही केस के बाद हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि ये जंपिंग स्टेटमेंट है और ये फॉल थ्रू स्टेटमेंट जुड़ भी होता है. तो हमने आई एंटर किया तो वो केस आई पे जंप करेगा और ओ यू ये दोनों ही केसेस एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लिखा है, इसलिए डिस्प्ले होगा इट्स वॉवल. उसके बाद होगा ब्रेक जो स्विच को टर्मिनेट करेगा. अगर हम दूसरा कोई भी कैरेक्टर एंटर करते हैं, जैसे है एक्स, तो कोई भी मैचिंग कंडीशन नहीं होने के वजह से वो डिफॉल्ट केस पे जाएगा, डिस्प्ले होगा इट इज कॉन्सोनेंट. अब और एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, एक्सेप्ट एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज ऑड नंबर या इवन नंबर यूजिंग स्विच. इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें नंबर एंटर करना है, जिसके लिए हमने लिखा प्रिंटएफ और स्कैनएफ, दो स्टेटमेंट. यहां हमने एक्सप्रेशन यूज किया है, वेरिएबल है एन. अब इवन नंबर के लिए हम डिवाइड करते हैं टू से. अगर टू से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, मतलब इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तो ये नंबर हो जाता है इवन नंबर. अदरवाइज ये नंबर होता है ऑड नंबर. लेकिन अगर हमने जीरो डाला और जीरो डालने के बाद अगर हम इसका रिमाइंडर देखते हैं, तो जीरो को टू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो तो इवन नंबर नहीं है, वो न्यूट्रल नंबर है. इसलिए केस जीरो में इफ और एल्स लिखा है. अगर तुमने जो नंबर डाला है वो है एन, तो एन का वैल्यू अगर जीरो है तो हम डिस्प्ले करेंगे इट इज न्यूट्रल नंबर और ब्रेक हो जाएगा और स्विच के बाहर आएगा. अब हमने नंबर डाला है फोर, तो फोर नंबर टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर जीरो है और एन तो जीरो है नहीं, तो केस जीरो पे जाएगा और एन जीरो नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा और डिस्प्ले करेगा इट इज इवन नंबर. अब हमने नंबर डाला सेवन, तो सेवन रिमाइंडर ऑफ टू, तो रिमाइंडर ऑफ टू क्या है, रिमाइंडर ऑफ टू है वन, तो वो जीरो नहीं है तो केस जीरो पे नहीं जाएगा. तो दूसरा क्या है, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में क्या डिस्प्ले करेगा, इट इज ऑड नंबर.